ताकि आप लोगों को ज्यादा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। लेकिन मैं सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगी, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 7 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिग बैंग थ्योरी। तो जो चैप्टर है इवोल्यूशन, ये किस बारे में, इस बारे में कि लाइफ का, अर्थ का जो ओरिजिन था वो किस तरीके से हुआ, कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस रही थी, क्या क्या चेंजेस आए थे। तो इनिशियली जो एक थ्योरी है जो सपोर्ट करती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ को, वो कौन सी है, उसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ था, स्टार्टिंग बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन से हुई थी, देयर वाज अ ह्यूज एक्सप्लोजन, जिसके रिजल्ट में जो भी एक्सप्लोजन हुआ था उस रिजल्ट में क्या रहा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अर्थ पर आया, यूनिवर्स की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था, हाइड्रोजन और हीलियम धीरे धीरे करके फॉर्म हो रहे थे, मतलब टेम्परेचर पहले आया था, उसके बाद चल के इन गैसेस की फॉर्मेशन हुई थी। और ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो वहां पर धीरे धीरे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस का चेंज होने का जो प्रोसेस है, वो कब स्टार्ट हुआ था, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। मतलब टेम्परेचर आने के बाद, हाइड्रोजन और हीलियम के आने के लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ की जो प्रॉपर फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था। अलॉन्ग विद दिस आप देखोगे वाटर वेपर्स, मीथेन, CO2, अमोनिया, ये सब चीजें, ये सब गैसेज, ये सब सब्सटेंसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी अवेलेबल थे, कब, जब अर्थ की फॉर्मेशन हो चुकी थी। और इन सभी मॉलिक्यूल्स के आने के बाद जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, वो रेडिएशंस क्या करती थी, वाटर वेपर्स पे, यानी कि जो H2O वाटर का मॉलिक्यूल हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसके ऊपर एक्ट किया करती थी। एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक होते थे, क्योंकि हाइड्रोजन काफी हल्का होता है, इट इज लाइटर, तो वह स्केप कर जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जिन गैसेस के बारे में हमने बात की, इनको मेंशन करना बहुत जरूरी है। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो गैसेस ब्रेक डाउन करेंगी, इन्हीं के डिफरेंट कंपोजिशन से बाकी जैसे CO2 है, वाटर है, या अलग अलग कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन चला करती थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक थ्योरी दी गई थी आपके एनसीईआरटी में, बीच में एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसमें स्पोर्स रिस्पॉन्सिबल है न्यू लाइफ की फॉर्मेशन के लिए, एंड इट वॉज कॉल्ड पेंस्पर्मिया, ठीक है। तो बस एक टर्म आपको याद रखनी है, पेंस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, है ना। अब यहाँ पर जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो क्या कहती है, इसके हिसाब से जो सबसे पहले लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी अर्थ पर, वो किसकी मदद से हुई थी, किन कंपोनेंट्स की वजह से हुई थी, इट वाज बिकॉज ऑफ द डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ, लाइक मड एक्सेट्रा। तो इन सभी मैटर्स की प्रेजेंस की वजह से न्यू लाइफ की फॉर्मेशन हुई थी, और उसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था लुईस पाश्चर, उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, मतलब ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उसको डिसअप्रूव कर दिया था। किसने, लुईस पाश्चर ने। देखो उन्होंने क्या किया, इन्होंने दो फ्लास्क लिए, ऑलरेडी स्टेराइल किया हुआ था, प्रॉपर तरीके से क्लीन किया हुआ था फ्लास्क को, और इन फ्लास्क में उन्होंने किल्ड यीस्ट को रखा, किसको, किल्ड यीस्ट को रखा। तो जो दो फ्लास्क इन्होंने यहाँ पर लिए थे, ये सबसे पहला फ्लास्क है, ठीक है, इसको भी प्रॉपर तरीके से क्लीन किया था, और ये दूसरा फ्लास्क है। क्या डिफरेंस था इन दोनों फ्लास्क में, वो ये था, पहले वाले फ्लास्क को उन्होंने प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया था कि भैया एटमॉस्फेयर के साथ इनके अंदर रहने वाले मॉलिक्यूल्स का कोई भी कांटेक्ट ना रहे। लेकिन जब दूसरे वाले यहाँ पर फ्लास्क की हम बात करेंगे, उसके अंदर भी किल्ड यीस्ट रखे हुए थे, बट इट वॉज नॉट कवर्ड, यानी कि जो किल्ड यीस्ट इस फ्लास्क के अंदर थे वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे विद द एटमॉस्फेरिक एयर। और ऑब्जर्व ये किया गया आफ्टर सम टाइम कि यहाँ पर पहले वाले फ्लास्क में किसी न्यू लाइफ की फॉर्मेशन नहीं हुई, जबकि यहाँ पर कुछ ऐसे यीस्ट थे जो कि लिविंग थे, यानी कि न्यू लाइफ वॉज ऑब्जर्व। तो एक बात बताओ, जब पहला बोला जा रहा था कि भैया स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब है डेड और डिकेइंग रोटिंग मैटर से न्यू लाइफ की फॉर्मेशन होती है, तो इसमें भी होनी चाहिए थी, नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर से पूरा जो कॉन्टेक्ट था वो खत्म हो गया था। तो इसका मतलब ये है कि भैया एटमॉस्फेयर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा न्यू लाइफ की फॉर्मेशन में, ना कि बस ये जो डिकेइंग और रॉटिंग मैटर है वो ही न्यू लाइफ में बदल जाए, ठीक है। सो द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाय लुईस पाश्चर। क्या उनका एक्सपेरिमेंट था वो मैंने आपके सामने भी बताया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऑपरेन और हेल्डेन के बारे में। रशिया और इंग्लैंड के ये साइंटिस्ट है, काफी बार पूछा जाता है, मेडिकल में भी क्वेश्चन आ जाता है, नीट में, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, देखो इन्होंने ये बोला
कि हमारे अर्थ पर सबसे पहली जो फॉर्म ऑफ लाइफ है वो कहां से आई थी? वो आई थी प्री एग्जिस्टिंग, पहले से एग्जिस्ट कर रहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि ये जो लाइफ की फॉर्मेशन है इट वॉज प्रिसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि इन सब चीजों में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी एंड इट वॉज केमिकल इवोल्यूशन। तो एक तरीके से केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो ऑपरेन और हेल्डेन। तो केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन है? ऑपरेन और हेल्डेन। लेकिन इसका जो प्रूफ था केमिकल इवोल्यूशन का वो किसने दिया था? वो एस एल मिलर ने दिया था 1953 में। ठीक है, तो एस एल मिलर ने क्या कहा था, उन्होंने क्या किया था? तो यहाँ पर जो सुंदर से पिक्चर मैंने पहले से ड्रॉ कर दी, इसमें क्या है देखो, यहाँ पर जो एस एल मिलर है उनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बारे में बात हो रही है। किस चीज का प्रूफ? केमिकल इवोल्यूशन का, राइट। इन्होंने क्या कहा, जैसे ऑपरेन और हेल्डेन ने बताया दैट लाइफ वॉज प्रोसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन, तो उन्होंने एक बिल्कुल अपने ही लेबोरेटरी में जो प्रिमिटिव अर्थ है वैसी कंडीशंस को क्रिएट करने की कोशिश की, और उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अपने जो लेबोरेटरी में जो कंडीशन उन्होंने बनाई थी वहां पर रखा। ठीक है, उन्होंने एक स्फेरिकल फ्लास्क लिया था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया। अब क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली क्या पूछा जाएगा, 1-1 मार्क के हिसाब से, यानी कि पिक्चर बनाकर दिखा दो, पूछेंगे कि एस एल मिलर का क्या एक्सपेरिमेंट था और क्या कंक्लूजन निकला। ठीक है, अदरवाइज आपसे ही बोलेंगे, मतलब ABCD करके चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहली चीज किस तरीके की कंडीशन वहां पर क्रिएट की गई थी लेबोरेटरी में, आप बताओगे प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशन थी जिसमें 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया था। फिर पूछेंगे वो कौन कौन सी गैसेस हैं जिसको उन्होंने स्फेरिकल फ्लास्क में लिया था, तो आप बताओगे यहाँ पर कौन कौन सी है, मिथेन है, अमोनिया है, H2O और हाइड्रोजन, राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन आप सोचेंगे जो इलेक्ट्रोड्स है इसका क्या इस्तेमाल था, इलेक्ट्रोड्स का उन्होंने क्या किया, तो आप बताओगे स्पार्कलिंग करवाने के लिए, स्पार्क को डिस्चार्ज करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोड्स को यूज किया था। और इस स्फेरिकल ग्लास में, इस स्फेयर में उन्होंने जब इन गैसेस के सामने इन इलेक्ट्रोड्स का यूज करके स्पार्कलिंग को इंट्रोड्यूस करवाया तो क्या कंक्लूजन निकला, भाई ये भी तो पूछ सकते कंक्लूजन क्या था, तो आप बताओगे फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, क्या कंक्लूजन था, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो एस एल मिलर ने प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस को अपने लेबोरेटरी में बनाया जिसमें कि उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया था, कुछ गैसेस को लिया था एक स्फेरिकल किसमें ग्लास में, फ्लास्क में, फिर उसमें उन्होंने इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करके स्पार्किंग करवा दी। फिर जो रिजल्ट उन्होंने लगभग एक हफ्ते बाद ऑब्जर्व किया वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो जो वर्जन था इससे ये पता चला कि जो लाइफ की फॉर्मेशन हो रही है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हो रही है ना, उसको हमने क्या बोला, ए बायोजेनेसिस। तो एक तरीके से एस एल मिलर रिस्पॉन्सिबल है क्या देने के लिए, ए बायोजेनेसिस। ठीक है, और ये जो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ थी इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है एनवायरमेंट, कौन से एनवायरमेंट में, वाटर यानी कि एक्वेटिक एनवायरमेंट में ये ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व की गई। ठीक है, तो ये हमने किस बारे में बात की है, ये हमने बात की है एस एल मिलर के एक्सपेरिमेंट के बारे में जो किस चीज के लिए था, केमिकल इवोल्यूशन को प्रूफ करने के, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इवोल्यूशन से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती है, तो सबसे पहले तो थ्री कॉनोटेशन ऑफ स्पेशल थ्योरी। अब वो स्पेशल थ्योरी क्या है और उसके क्या कॉनोटेशन है, देखो ये जो थ्योरी है, जो स्पेशल थ्योरी है क्रिएशन की, वो क्या कहती है, तीन पॉइंट्स इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो जो थ्री कॉनोटेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई जो लाइफ, जो स्पीशीज आप अभी ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऐसी ही थी स्टार्टिंग से, है ना, तो क्या ये बात सही है या नहीं। दूसरा पॉइंट कि भाई जो लाइफ है जो कि आज हम देख रहे हैं भाई, चलो तो ठीक है कि वो ऐसी ही थी, दूसरा कि उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं आई और फ्यूचर में भी वो ऐसी ही रहेगी, वो भी बात सही नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये था कि जो अर्थ है वो 4000 ईयर्स पहले ही बनी है, सिर्फ 4000 साल पुरानी है, ये भी बात बिल्कुल गलत है। तो जो थ्री जो स्पेशल क्रिएशन की जो थ्योरी है उसकी जो थ्री कॉनोटेशंस है वो क्या है, द लाइफ वी सी टुडे, जो आज हम डाइवर्सिटी देखते हैं, वी सी टुडे वॉज क्रिएटेड एज सच। लेकिन क्या ये बात सही है, नहीं है ना, the diversity was same as we see today, the diversity was same as we see today and will remain same in
फ्यूचर, और वो फ्यूचर में भी सेम रहेगी। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, वेरिएशंस आती रहती है, इवोल्यूशन होता रहता है, न्यू लाइफ की फॉर्मेशन होती है, तो ये बात भी गलत हो गई। और अर्थ के बारे में बोला गया है कि अर्थ इज 4000 ईयर्स ओल्ड। अर्थ कितना पुराना है? 4000 ईयर्स ओल्ड। ये बात भी सही नहीं है। तो जो थ्री कॉनोटेशन स्पेशल थ्योरी ऑफ क्रिएशन की, तीनों पॉइंट्स आपको याद करने। काफी बार मैंने ये क्वेश्चन देखा, तीन नंबर है, दो नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है भाई, अब हम बात करें कि एक शिप था जिसका नाम है HMS बीगल, जो डार्विन है, जो कि इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस जो एक साइंटिस्ट है जो रह चुके हैं। इन्होंने जब ट्रेवल किया था, इन्होंने जब समुद्री यात्रा की थी, सी वॉयज की थी, तो किस में बैठ के की होगी भाई? HMS बीगल में, उनके शिप का नाम था। ठीक है, अब डार्विन ने जब ऑब्जर्व किया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, अलग अलग आइलैंड पे जाके, तो उन्होंने ये देखा कि भैया जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए, तो उस पॉपुलेशन के हर एक व्यक्ति में एक एबिलिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। तो जब एक पॉपुलेशन का हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो पॉपुलेशन क्यों कॉन्स्टेंट है, स्टेबल कैसे है? तो उसे ये पता चला कि एक टर्म है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होते हैं, जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, नेचर उन्हीं को सेलेक्ट करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो उसने दी थी, वो किसके ऊपर बेस्ड थी? रिप्रोडक्टिव फिटनेस के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था और कैसे। तो वो जो साइंटिस्ट है जिन्होंने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था, वो है थॉमस माल्थस। और कैसे इन्फ्लुएंस किया था? देखो, तो थॉमस माल्थस है, उन्होंने एक एसे लिखा था पॉपुलेशन के ऊपर। थॉमस माल्थस ने एक एसे लिखा था किसके ऊपर? पॉपुलेशन के ऊपर। तो इन्होंने यही बताया था कि भाई किसी भी पॉपुलेशन में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो जो जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो कैसे एक्सपोनेंशियली है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल हो जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बाद में पता चला कि भैया कॉम्पिटिशन होता है भाई, सेम पॉपुलेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबका फूड सेम होगा, मेटिंग सेम होगा, यानी कि सेक्स के लिए लड़ाई होगी, फूड के लिए, रिसोर्सेस के लिए लड़ाई होगी। तो जब कंपटीशन होगा तो जो सुपीरियर है वो तो सरवाइव करेगा, लेकिन इंफीरियर का क्या होगा? वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो फूड रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिस वजह से कंपटीशन होता है, और जो सुपीरियर प्रोजेनी है वो सर्वाइव करेगी, जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है वो सर्वाइव करेगी, और दूसरा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो थॉमस माल्थस ने जो ऐसे लिखा था पॉपुलेशन के ऊपर, उससे जो डार्विन है वो बहुत ज्यादा क्या हुए थे? इन्फ्लुएंस हो गए थे। तो ये क्वेश्चन भी काफी बार आपसे पूछा गया है ऑलरेडी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पैलेंटियोलॉजी क्या होता है। जो पैलेंटियोलॉजी है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल। देखो, फॉसिल्स की स्टडी को पैलेंटियोलॉजी बोला जा रहा है, तो फिर जो फॉसिल्स के यानी कि जो एविडेंस हमें मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। अब ये एविडेंस यानी कि जो फॉसिल्स है, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है और वो क्या है? फॉसिल्स का मतलब क्या है? दिस आर द इंप्रेशंस ऑफ द डेड रिमेन्स, है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स रह जाते हैं उसी को हम फॉसिल कहते हैं। अब ये किस तरीके से हमारे लिए जरूरी है? तो आप ये बताएंगे कि फॉसिल्स ही हमारी हेल्प करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो ऑर्गेनिज्म पहले एग्जिस्ट किया करते थे वो कितने समय पहले एग्जिस्ट किया करते थे, और उनका जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो कैसे होता था। तो एक तरीके से एंसेस्ट्री को अगर हमें स्टडी करना है तो हम किसका यूज करते हैं उसके लिए? फॉसिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पर जो ऑर्गन्स हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी? एक होता है होमोलोगस ऑर्गन्स और एक होता है एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस और एनालोगस, अब देखिए जरा इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है। जब भी आप होमोलोगस और एनालोगस में डिफरेंशिएट करते हैं तो जनरली क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ एग्जांपल दे देंगे, पूछेंगे किस तरीके के ऑर्गन्स को या इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो होमोलोगस ऑर्गन है उसका मतलब है दी ऑर्गेनिजम्स दैट हैव सेम स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन। वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सेम है और ओरिजिन सेम है, लेकिन उनका जो फंक्शन है वो कैसा होगा? बट जो फंक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होमोलोगस ऑर्गन को पोजेस करेंगे जिनमें सेम स्ट्रक्चर और ओरिजिन होता है, लेकिन जो उनका फंक्शन होगा वो अलग होगा। बिल्कुल इसी का ऑपोजिट होता है एनालोगस में। फंक्शन सेम होगा लेकिन जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है, लेकिन जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन है उन ऑर्गन्स का वो अलग होता है। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन,
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन। अब अगर इनके एग्जांपल्स के बारे में हम बात करेंगे तो होमोलोगस का जो एग्जांपल है जो आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है वो दे रखे फोर लिम्स ऑफ बैट चीता मैन, ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल आपको दे रखे हैं। फिर इसके अलावा आपको जो एग्जांपल दे रखा है वर्टिब्रेटा का हार्ट और ब्रेन दे रखा है, वर्टिब्रेटा का हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस अगर प्लांट में मैं होमोलोगस के एग्जांपल के बारे में बात करूंगी तो थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकरबिटा, ठीक है, थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया और कुकुरबिटा। तो ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भाई देखो स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट। कैसे? हमारा जो फोर लिम है और जो चीता का फोर लिम है दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है ना, लेकिन चीता अलग तरीके से उसको यूज कर रहा है, हम अलग तरीके से, बैट अलग तरीके से यूज कर रहा है। जैसे चीता रन करने के लिए, बैट फ्लाई करने के लिए यूज करेगा। दूसरा हार्ट और ब्रेन, अगर वर्टिब्रेटा के बारे में बात करें, भाई चैम्बर वाले ऑर्गेनाइजेशन है या ऑसिपिटल लोब है हमारे ब्रेन में, या विजुअल कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, सभी वर्टिब्रेटा में जो ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है इस तरीके से होगी, लेकिन उनके जो फंक्शन है वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फिशेस की मैं बात करूँ तो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन हो रहा है हमारे अंदर, वो सच एज सच उसका कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। थॉर्न्स और टेंड्रिल्स, थॉर्न्स मतलब कांटे हो गए तो डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं, जो टेंड्रिल्स है वो बेल जिसको हम बोलते हैं वो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है, पेड़ को ऊपर चढ़ाने में या जो लीव्स है उनको ऊपर चढ़ाने में, ठीक है। तो थॉर्न्स और टेंड्रिल्स दोनों ही एक ही चीज की मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है ना, लेकिन अगर यहाँ पर इन दोनों के फंक्शन देखे जाए तो वो बिल्कुल अलग अलग हो गए, राइट। अब हम एनालॉगस के बारे में बात करेंगे, फंक्शन सेम है और स्ट्रक्चर अलग। इसके अगर एग्जांपल हम बोलते हैं तो एक आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन आप ले सकते हो, आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन। भाई देखो हमारी आंख और ऑक्टोपस की आंख दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, इसलिए वो एनालॉगस में आ गया। दूसरा आप ले सकते हो विंग्स ऑफ बैट एंड डायरेक्टली मैं अगर बटरफ्लाई एंड बर्ड्स लिख दू, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, तो इन दोनों का जो फंक्शन है जो काम है वो तो सेम है लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। साथ साथ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो दोनों का जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ फूड है, ये दोनों ही फूड को स्टोर करने में काम कर रहे हैं, लेकिन जो स्वीट पोटैटो है ये किसकी मॉडिफिकेशन है, रूट की मॉडिफिकेशन, और जो पोटैटो है वो किसकी मॉडिफिकेशन है, स्टेम की। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दोनों के अलग हो गए लेकिन फंक्शन तो दोनों के सेम है, तो हमने इसको कौन सी कैटेगरी में डाला है, एनालॉगस, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई इस चैप्टर में आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है विच इज इंडस्ट्रियल मेलनिज्म। नेचुरल सिलेक्शन का ही एक टाइप है, एक एग्जांपल आप समझ सकते हो इंडस्ट्रियल मेलनिज्म को। अब इसमें क्या बताया गया है, देखो इन्होंने ये बताया कि भैया 1850 जब तक कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, 1850s तक जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, यानी कि कब की बात हम कर रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम की, ठीक है। तो जब तक कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उस समय क्या था, एकदम वातावरण साफ स्वच्छ, बिल्कुल क्लीन ट्रीज हुआ करते थे, ट्रीज के ऊपर जो पूरा कैनोपी होता है बिल्कुल क्लीन हुआ करता था, लाइट कलर का हुआ करता था, क्यों, कोई पॉल्यूशन नहीं था, साफ सफाई थी एकदम। तो जब ऐसी एनवायरमेंट होती है जहां पर कोई पॉल्यूशन नहीं होता तो लाइकन की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो पहले ये हुआ करता था पूरे एनवायरमेंट के क्लीन होने की वजह से, बहुत ही कम पोल्यूशन होने की वजह से लाइकन बहुत ज्यादा ग्रो करती थी और ट्रीज वगैरह की जो अपीयरेंस है बहुत हल्की हुआ करती थी लाइफ, है ना। तो ऐसे में जो मौत है, बटरफ्लाई जैसे छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं, तो ये दो तरीके के मौत होते हैं, लाइट और डार्क, लाइट विंग और डार्क विंग, है ना, इसको आप व्हाइट भी कह सकते हो, ठीक है, और कई जगह पर इसको आप ब्लैक मौत भी कह देते हैं, वैसे लाइट और डार्क होता है। तो भाई जिस समय पूरा एटमॉस्फेयर बिल्कुल लाइट कलर का होगा, अगर उसी बैकग्राउंड में, सेम बैकग्राउंड में लाइट कलर की ही मौत बैठे हुए होंगे, तो जो शिकारी है, जो प्रेडेटर है, वो तो आसानी से देख नहीं पाएंगे, क्यों, मान लीजिए व्हाइट बोर्ड है, मैं व्हाइट ही मार्कर से इसके ऊपर लिखूं तो हमें दिखेगा नहीं ढंग से, राइट। तो इसलिए जो लाइट कलर वाले, लाइट विंग वाले मौत थे, जब वो बैठा करते थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले बिल्कुल लाइट एनवायरमेंट में, तो प्रेडेटर की नजर उन पर नहीं जाती थी, डार्क विंग वाले मॉथ्स के ऊपर उनकी नजर जाती थी। तो उससे क्या हुआ, जो डार्क विंग वाले मॉथ है इनकी पॉपुलेशन कम हो गई,
ठीक है भाई, इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई है ना। लेकिन सभी का दिन आता है, तो फिर इनका भी दिन आया। हुआ यूं कि जब 1920 में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था, काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुकी थी, तो मैं एक तरीके से कह सकती हूँ इंडस्ट्रीज डेवलप होने के बाद, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो चुकी थी, इंडस्ट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी थी, तब क्या हुआ, इतना पोल्यूशन क्रिएट हो गया, इतनी ज्यादा गंदगी, कार्बन सूट या जितने भी स्मोक वगैरह या स्मोक हमारे एटमोसफेयर में होते हैं, उन्होंने सारे ट्री ट्रंक को, कैनोपीज को, ब्रांच को पोल्यूटेड कर दिया, जिस वजह से वो गंदे यानी कि डार्क कलर के अपियर होने लगे, है ना। तो अब क्या हुआ, जो डार्क विंग वाले मॉथ थे, उन्होंने सेम बैकग्राउंड में अपने आप को हाइड कर लिया, लेकिन जो लाइट विंग वाले मॉथ थे यानी कि व्हाइट विंग, अब उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्यों हो गई डिक्रीज, क्योंकि इतना गंदा बैकग्राउंड है, ब्लैक या डार्क बैकग्राउंड है, उसमें वो व्हाइट कलर के जो मॉथ है वो प्रेडेटर्स को अलग से ही नजर आ जाते थे, है ना। तो प्रेडेटर्स ने इस बार क्या किया, लाइट विंग वाले मॉथ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, एज अ रिजल्ट उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगी, है ना। लेकिन ये सब कहाँ पर हो रहा था, ये सब अर्बन, जो अर्बनाइजेशन यानी कि ऐसे एरिया जहाँ पर शहर यानी कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुके हैं, ऐसे एरिया में ज्यादा हो रहा था। जो रूरल एरियाज थे, जहाँ गांव वगैरह थे, इतनी इंडस्ट्रीज नहीं बनी थी, वहां पर अभी भी इनकी जो पॉपुलेशन थी वो मेंटेन हो रही थी, ठीक है। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अर्बन वाले एरिया में भी, शहरीकरण में भी, जहां पर इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उस केमिकल को, उस पिगमेंट को सिंथेसाइज करना स्टार्ट किया जो कि डार्क विंग वाले मॉथ के अंदर थी। और वो कौन सी पिगमेंट थी, उसको हम मेलानिन कहते हैं। कौन सी पिगमेंट है, मेलानिन। तो ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल मेलानाइजेशन, है ना। तो मेलानिन इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसको कई बार कहा जाता है। तो इसमें क्या हो रहा था, जो डार्क विंग वाले मॉथ के पास मेलानिन पिगमेंट थी, उस वजह से वो अपने आप को डार्क वाले बैकग्राउंड में बचा पा रहे थे। तो ये जो अपने आप को नेचर के हिसाब से एडजस्ट करेगा, वो इजीली क्या करेगा, सर्वाइव कर सकता है। तो ठीक है, इसमें क्या हुआ था, मेलानिन पिगमेंट को लाइट विंग वाले मॉथ्स ने क्या किया, एडजस्ट कर लिया, या फिर बोल सकते सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया, तो नेचर ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। अगर साइंटिफिक नेम के बारे में बात करेंगे, व्हाइट यानी कि लाइट विंग वाले मॉथ की और डार्क विंग वाले मॉथ की, तो यहाँ पर इनका नाम क्या होगा, आपको याद रखना है, बिस्टन बेटुलेरिया कार्बोनेरा। ये किसके लिए, कार्बोनेरा ये है NIR, ये किसके लिए, डार्क विंग वाले मॉथ के लिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर बिस्टन बेटुलेरिया की बात हो रही है ना, जो ये लाइट विंग वाले मॉथ है, इसको कहते हैं टिपिका। क्या कहते हैं, टिपिका। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, लाइट विंग वाले मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया टिपिका, और डार्क विंग वाले मॉथ बिस्टन बेटुलेरिया कार्बोनेरा, क्लियर है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, व्हिच इज एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है, कि लाइफ में जो ओरिजिन होता जा रहा है न्यू ऑर्गेनिजम्स का, या वो जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं, उनकी उस एबिलिटी में ह्यूमन का क्या रोल है ना। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या है, किस तरीके से इंसान यानी कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है। अब पेस्टिसाइड्स को हमने क्यों यूज किया था, ताकि हम अपनी क्रॉप को, अपनी खेती को कीड़े मकोड़ों से, इंसेक्ट से या पेस्ट से बचा सके। तो हमने यूज करना शुरू किया डीडीटी का। तो जो फार्मर्स हैं वो डीडीटी को क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं पूरी क्रॉप पे, ताकि वो इंसेक्ट और जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनसे अपनी क्रॉप को बचा सके। तो इनिशियली क्या हुआ, मान लीजिए हमने डीडीटी को स्प्रे किया, टोटल 10 इंसेक्ट्स थे, ठीक है। अब इन 10 में से 7 इंसेक्ट्स मर गए, 3 ऐसे हैं जो कि सरवाइव कर रहे। क्यों भैया, हो सकता है इन इंसेक्ट्स के अंदर किसी रीजन से क्या हो, एक ऐसा केमिकल हो या कोई ऐसा डिफेंस हो, ठीक है, जिसने उनको डीडीटी की प्रेजेंस में भी सरवाइव करने की एबिलिटी दे दी। अब क्या होगा, अब ये जो 3 इंसेक्ट बचे थे, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, तो उनके रिप्रोड्यूस करने पर जो न्यू प्रोजेनी आएगी उसके अंदर भी कौन सा फीचर होगा, रेजिस्टेंस टू डीडीटी। तो एज अ रिजल्ट आफ्टर सर्टेन जनरेशंस जितने भी इंसेक्ट प्रोड्यूस होंगे उन सभी के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, और वो फीचर क्या है, रेजिस्टेंस टू या रेजिस्टेंस ऑफ डीडीटी, क्लियर है। तो ये इंसानों की वजह से ही हुआ, ह्यूमन के एक्सेसिव यूज ऑफ डीडीटी से ही हुआ कि उनके अंदर क्या हो गया, इवोल्यूशन हो गया, उनके अंदर इस तरीके के इंसेक्ट की फॉर्मेशन होने लगी जिसके अंदर डीडीटी से रेजिस्टेंस था। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो माइक्रोब्स हैं उनका हम यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, तो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स भी आप यहाँ पर
एक एग्जाम्पल में डाल सकते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत जरूरी है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। रेजिस्टेंस टू किसके लिए? एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। ये जो माइक्रोब्स है ना, दे गॉट रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो ये हमने किस बारे में बात की है? एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस के। अब हम बात करें, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेमार्क। अब लेमार्क ने क्या बोला था? उन्होंने ये कहा कि भैया जो थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज है, इसका मतलब क्या है? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, कि जिस ऑर्गन का, जिस बॉडी के पार्ट का हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, वो आगे चल के इवॉल्व होता है, यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के किसी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? डिजनरेट हो जाता है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया था? उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया था, है ना। इन्होंने बोला क्या था? इन्होंने ने ये कहा था कि भाई जैसे जिराफ की जो नेक होती है, वो जो इलोंगेटेड हो रही थी, वो कैसा कैरेक्टर था? वो हेरिटेबल कैरेक्टर था, जो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट किया जाता है ना। उन्होंने ये बोला, ऐसी कहानी है जो कि बताई गई है। इनिशियली जितने भी जिराफ थे, वो सब ब्राउजर या ग्रेजर हुआ करते थे, वो चरा करते थे, है ना, जैसे गायें भैंस चरती हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो फूड की स्कार्सिटी हो गई, खाने की कमी आ गई, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपनी जो नेक है उसको, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वहां पर लीव्स होती है, लीव्स को प्लक करने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर करना शुरू किया। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जब बार बार जिराफ अपनी गर्दन को ऊपर करके लीव को तोड़ा करते थे, तो क्या हुआ उसके बाद? मान लो 10, 20, 50 या 40 जितने भी जनरेशन है, उसके बाद जो न्यू जिराफ आया, जो प्रोजेनी आई, उसके अंदर जो नेक हुआ करती थी ऑलरेडी इलोंगेटेड थी, है ना। तो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज का, उसमें जिराफ का एग्जाम्पल दिया था, और इन्होंने ये बताया था कि इलोंगेशन ऑफ नेक इन जिराफ, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूज एंड डिसयूज का, क्योंकि जितना ज्यादा ये अपनी नेक का इस्तेमाल करते थे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो जो जीन्स थे वो इतने डेवलप हो गए कि सभी जिराफ के अंदर जो नेक होती थी वो इलोंगेटेड हो गई। आपको याद रखना है वो इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पर बात कर ली है किसके बारे में? लेमार्क के बारे में, जिन्होंने क्या दिया था भाई? लेमार्क ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। क्लियर है? आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उनके जो व्यूज हैं, है ना, वो बहुत डिफर करते हैं एक दूसरे से। जैसे कि मैं अगर दो अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में बात कर रही हूँ, एक तो है डार्विन और दूसरे है डीवेरीज। तो जो ह्यूगो डीवेरीज है, उनके क्या व्यूज थे और डार्विन के क्या व्यूज थे इवोल्यूशन के बारे में? तो ये जो डीवेरीज है, वो काम कर रहे थे, अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्लांट पे, जिस इवनिंग प्राइमरोज, है ना। तो जिस समय वो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में अपने कुछ व्यूज दिए थे। फिर डार्विन ने ये तो ये बोला दैट वेरिएशन वेरिएशन कॉजेस इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वेरिएशन की वजह से। जबकि डीवेरीज ने क्या बोला? म्यूटेशन कॉजेस इवोल्यूशन। ठीक है, डार्विन ने कहा कि जो वेरिएशन है वो स्मॉल और डायरेक्शनल होती है, है ना। वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब क्या हो गया? कि पेरेंट्स से ही नेक्स्ट जो जनरेशन है वहां तक जाएंगे। लेकिन जो डीवेरीज थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो म्यूटेशन होती है वो रैंडम होती है। म्यूटेशन क्या होती है? वो रैंडम होती है और डायरेक्शन लेस होती है। रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है ना भाई। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला? डार्विन ने यह कहा था कि भाई जो वेरिएशन है वो तो इवोल्यूशन करवा रही है, और वेरिएशन कैसे? स्मॉल और डायरेक्शन है, है ना। जबकि डीवेरीज ने क्या कहा? म्यूटेशन कैसी है? रैंडम और डायरेक्शनलेस है। अगला पॉइंट इन्होंने बोला कि इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल प्रोसेस। इवोल्यूशन कैसा प्रोसेस है? ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब आराम आराम से होता है और लंबा समय लेके होता है। लेकिन डीवेरीज ने कहा था सॉल्टेशन। सॉल्टेशन का मतलब है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इन्होंने कहा कि ए के बारे में इतनी बड़ी या इतनी तगड़ी म्यूटेशन आ जाती है भाई, कि न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो जाती है, which leads to speciation. Speciation का मतलब क्या है? The process of formation of new species. तो ये इन दोनों साइंटिस्ट के व्यूज में डिफरेंस है, है ना, कि इन डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन कौन करवा रहा था? वेरिएशन। और डीवेरीज के हिसाब से इवोल्यूशन कौन करवा रहा था? म्यूटेशन। ठीक है भाई, तो इन दोनों के व्यूज किस तरीके से एक दूसरे से डिफर करते हैं ये हमने पढ़ लिया है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो कौन सा होगा? हार्डी एंड विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो हार्डी विनबर्ग का इक्विलिब्रियम है, इन्होंने कहा क्या था? इनका जो इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम है वो ये कहता है कि जो अलील की या जो जीन की फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी एक जीन पूल में यानी कि किसी भी एक पॉपुलेशन में, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कॉन्स्टेंट रहती है और इसका जो सम रहेगा, जो सम टोटल होता है अलीलिक फ्रीक्वेंसी का, वो किसके बराबर होता है? वन। जो सम होता है अलीलिक फ्रीक्वेंसी का वो किसके बराबर है? वन के बराबर है। और इन्होंने एक इक्वेशन भी इसमें दी थी विच इज पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। यहाँ पर पी क्या है? ये अलील ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और यहाँ पर जब ये ए को रिप्रेजेंट करेगा तो ये स्मॉल ए को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए, कैपिटल ए के लिए हमने बोला तो पी स्क्वायर हो गई, स्मॉल ए के लिए बोलेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगी, राइट। तो मेडिकल में पूछा जाता है कैपिटल ए स्मॉल ए को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बच्चे क्या कर देते हैं? पी क्यू। गलत है भाई, क्यों? क्योंकि अगर आप जो हार्डी वेनबर्गियन की इक्वेशन को देखोगे तो जो हेटरोजाइगस कंडीशन है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? टू पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बोला था, हार्डी और वेनबर्ग ने, कि किसी भी एक पॉपुलेशन में जो जीन फ्रीक्वेंसी या अलीलिक फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है, एंड द सम टोटल ऑफ ऑल द अलील्स वो कितना होता है? वन के बराबर होता है ना। तो उन्होंने साथ साथ एक एक्सप्रेशन दिया था, एक इक्वेशन दी थी, तो उस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये इस अलील को और क्यू दूसरे अलील को, और हेटरोजाइगस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है 2pq, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल है? कोई ऐसी ड्राइविंग फोर्स भी तो होगी जो कि हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती होगी, कोई फैक्टर्स भी तो होंगे। तो बिल्कुल कुछ फैक्टर्स यहाँ पर है जो हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन हो गया, ठीक है भाई। नेचुरल सिलेक्शन हार्डी वेनबर्ग के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकता है, वेरिएशन या फिर रिकॉम्बिनेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन से भी क्या हुआ, न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी पहले थी अब वो नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी, राइट। फिर इसके बाद जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म या कोई इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन को छोड़ के दूसरी पॉपुलेशन में जाता है ना, तो वो जीन माइग्रेशन होती है। लेकिन जब ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली काफी समय तक चलता रहेगा, इट विल बी कॉल्ड जीन फ्लो, ठीक है। इसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट भी होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जीन या फिर अलील की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर सकता है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, मेडिकल के लिए क्वेश्चन आता है कौन सी पॉपुलेशन में होगा, ये हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में होता है ना। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, सडन चेंजेस। जब भी किसी एक पॉपुलेशन में सडन चेंजेस आते हैं और उससे क्या होगा, एक न्यू पॉपुलेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होती है उसको तो हम क्या कहते हैं, फाउंडर कहते हैं, और जो इसका इफेक्ट होता है और उसको हम क्या बोलेंगे, फाउंडर्स इफेक्ट। इसके इफेक्ट को क्या बोलेंगे, फाउंडर्स इफेक्ट। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, फाउंडर्स इफेक्ट, ठीक है भाई। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, सडन चेंजेस विद इन अ पॉपुलेशन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन होगी उसको हम फाउंडर कहते हैं, और उसके इफेक्ट को क्या कहते हैं, फाउंडर्स इफेक्ट। सो दिस इज हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, है ना। वैसे तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं मेडिकल में इसके बेसिस पर, लेकिन मैं जल्दी से चैप्टर कवर करना चाहती हूँ, तो एक डिटेल्ड वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी इस चैप्टर पे, ताकि इसके न्यूमेरिकल्स भी हम कवर कर सके नीट के हिसाब से, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, किस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हमारी एक पॉपुलेशन में ट्रेड्स को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये तीन तरीके से ट्रेड्स को अफेक्ट करेगी। अब वो कौन कौन से तीन तरीके हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। एक होता है स्टेबलाइजिंग, एक होता है डायरेक्शनल, और एक होता है डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। अब ये क्या है, मैंने किस चीज को रिप्रेजेंट किया है, मान लीजिए मैं कोई ग्राफ बना के दिखा रही हूँ, किसी भी एक पॉपुलेशन में जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये भी कोई ग्राफ है जिसमें हमने किसी एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। अभी तीन तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, कैसे। सबसे पहले किसी भी पॉपुलेशन में अगर मीन कैरेक्टर को फेवर किया जाता है, इफ मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर मीन कैरेक्टर इन द पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन को हम स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन कहेंगे, कैसे। अब आप मान लो किसी भी एक पॉपुलेशन में हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, 4 फीट के लोग हैं, 5 और 6,
ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मिलने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है, जो इंडिविजुअल्स है, दे एक्वायर मीन कैरेक्टर। 5 फीट के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो उस तरीके का ग्राफ क्या होगा, पीक में बनेगा, पीक थोड़ी यहाँ पर जो होगी हाई पीक होगी यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है भाई। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया ये जो पॉपुलेशन है इसमें मेन कैरेक्टर को फेवर किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सिर्फ 4 फीट के लोग ही सबसे ज्यादा मिल रहे हैं, ये थोड़ा ब्लंट हो गया, ये थोड़ा ब्लंट हो गया। इसका मतलब क्या है, पीक उतनी ज्यादा शार्प नहीं है, मेन कैरेक्टर को फेवर नहीं कर रहे, अदर देन मेन कैरेक्टर को फेवर किया जा रहा है। तो मेन कैरेक्टर के अलावा या तो 4 फुट हो सकता है या 6 फुट हो सकता है, मैंने अगर 4 फुट बोल दिया तो इसका मतलब है ये किस तरीके का ग्राफ हो गया, ये हो गया डायरेक्शनल। सबसे पहला क्या था, स्टेबलाइजिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन हो सकती है, थर्ड कंडीशन, जिसमें क्या होगा कि मेन कैरेक्टर के अलावा जो दोनों पेरिफेरल वैल्यूज है किनारे वाले, 4 फीट और 6 फीट, अगर इन दोनों ही वैल्यूज को फेवर किया जा रहा है उस पॉपुलेशन में, तो इस तरीके का जो ग्राफ होगा इट विल बी कॉल्ड डिसरप्टिव। तो किस तरीके का ग्राफ बन गया, ये है डिसरप्टिव। तो जब भी किसी भी एक पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है तो वो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, 3 तरीके से। एक होता है स्टेबलाइजिंग, देन डायरेक्शनल, एंड देन डिस्ट्रक्टिव। मीन कैरेक्टर, मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर मीन कैरेक्टर, यहाँ पर मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर अदर देन मीन कैरेक्टर, कोई भी, ठीक है। यहाँ पर पेरिफेरल वैल्यूज या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज को फेवर किया जाता है, करेक्ट। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया नेचुरल सिलेक्शन। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अडैप्टिव रेडिएशन। तो अडैप्टिव रेडिएशन क्या है और किसने दिया था, तो जो डार्विन है उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लेन किया था, विच इज अडैप्टिव रेडिएशन, है ना भाई। तो जो अडैप्टिव रेडिएशन है ये क्या है और कौन से आइलैंड पर ऑब्जर्व किया गया था। तो जब डार्विन अपनी सी वॉयज यानी कि समुद्री यात्रा कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने मतलब वो एक आइलैंड पे पहुंचे जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड। जब वो वहां पर गए तो उन्होंने देखा देयर वर सम ब्लैक स्मॉल बर्ड्स, बहुत छोटी छोटी सी ब्लैक कलर की बर्ड्स थी, और मतलब उनका जो स्टार्टिंग में जो उनका हैबिटेट रहा होगा उस आइलैंड में वो कैसा था, वो सब सी रीटिंग थी, है ना। तो इनिशियल जो ओरिजिन था उन सभी जो बर्ड्स है उनकी बीक का, वो कैसा था, सी रीटिंग था, ठीक है। लेकिन उसी एरिया में वो धीरे धीरे करके अलग अलग हैबिटेट में जाकर उन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया, और जिस हैबिटेट में उनको खाने के लिए जो चीज मिली उन्होंने वही चीज खाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ उनकी जो बीक थी, पहले वो सीड ईटर हुआ करते थे, लेकिन अगर मान लो किसी दूसरी जगह पर चले गए वहां पर उनको फ्लैश मिला, इंसेक्ट मिले, है ना, तो उनकी बीक कैसी हो जाएगी, इंसेक्टिवोरस हो जाएगी। तो अडैप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, है ना, जिसमें क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में किसी पॉइंट से शुरू करते हुए एंड लिटरली रेडिएटिंग टू डिफरेंट एरियाज। एक आइलैंड पे कुछ बहुत सारे बर्ड्स रह रहे थे, फिर उन्होंने क्या किया, सारे के सारे क्या थे, सीड रीटिंग हुआ करते थे। जब वो उसी आइलैंड के अलग अलग एरिया में रेडिएट हो गए तो उन्होंने उसी आइलैंड के हिसाब से क्या कर लिया, इवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन। तो डार्विन फिंचेस, वो जो ब्लैक कलर की बर्ड्स है डार्विन फिंचेस, उनको वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अडैप्टिव रेडिएशन का। इसके अलावा अगर एक और एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है वो भी बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है अडैप्टिव रेडिएशन का, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स है वो भी उसी ऑस्ट्रेलिया में रहकर ही अपने आप को इवॉल्व करते हैं, और समहाउ दे डेवलप देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द प्लेसेंटल मैमल्स, है ना। जो ऑस्ट्रेलियन मैमल्स है या जो प्लेसेंटल मैमल्स है वो अपने आप को इवोल्यूशन के दौरान बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर आते हैं और वो एग्जिबिट करते हैं कुछ कैरेक्टर्स दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने सकते हैं वॉल्फ का, जो कि किससे रिजेंबल करता है, टेस्मानियन वॉल्फ से, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि जो अडैप्टिव रेडिएशन है, अगर हम देखें कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक साथ अडैप्टिव रेडिएशन को शो कर रहे हैं, सो इट मे बी ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, जो एनालॉगस है ए सी आप इसे याद कर सकते हो, जो एनालॉगस ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स होंगे वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करेंगे, और जो यहाँ पर आप बात कर रहे हो होमोलोगस स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन्स की, वो शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। डाइवर्ज करना मतलब फैल जाना, मतलब सबका स्ट्रक्चर तो एक जैसा था लेकिन सबके फंक्शंस अलग अलग थे, ठीक है। जबकि कन्वर्जेंट में क्या होता है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है लेकिन सबके फंक्शन सेम होते हैं। तो ये हमने किस बारे में बात की है, अडैप्टिव रेडिएशन के बारे में। तो यहाँ पर एनालॉगस कन्वर्जेंट और होमोलोगस डाइवर्जेंट हो गया, करेक्ट।
अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो ये जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के वो और कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें ना आपकी बुक में एक चार्ट गिवन है और उसमें एक डायग्राम है आर्क्योप्टेरिक्स का, तो आपको वो याद रखना है कि जो आर्क्योप्टेरिक्स है वो एक ऐसा लिविंग फॉसिल है, फिर वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि बर्ड्स और किसके बीच में, रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। तो आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है ना। तो ऐसा क्या है उसके अंदर विंग्स भी होते हैं और टेल भी होती है, तो वो दोनों के फीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। तो यहाँ पर वो क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये आपको याद रखना है। और जब हम इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, तो ऐसा ऑब्जर्व किया जाता है कि भाई सबसे पहले क्या हुआ था, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उन्होंने आना स्टार्ट किया, देन ब्रायोफाइट्स लाइकेन टेरिडोफाइट्स प्लांट्स की जो कमेंसमेंट है वो स्टार्ट हो गई थी, और लगभग 350 मिलियन ईयर्स को जो इनवर्टिब्रेट्स आए थे उसके बाद कुछ ऐसे फिशेस आने लगी जो कि पानी में भी रह सकती थी और कुछ समय के लिए बाहर आती थी जमीन पर फिर से वापस पानी में चली जाती थी। उनके पास लॉन्ग स्टाउट हुआ करता था फेस की, जो उनकी अपीयरेंस थी माउथ की काफी लॉन्गेटेड थी, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आगे चल के एम्फीबियन में डेवलप हो गए थे, मतलब वो फिशेस जिनको हम क्या कहते हैं, लोब फिन्स, ऐसे फिशेस जो कि पानी में भी रहा करती थी और कुछ समय के लिए जमीन पर भी आ जाया करती थी, वो लोब फिन्स हैं। कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? वो सेलोकेंथ के अंदर आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, ये जो लोफिन्स है इनको कहा जाता है एंसेस्टर्स, किसके, एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न एम्फीबियन। तो जो फ्रॉग और सेलेमेंडर है, जो मॉडर्न एम्फीबियंस हैं, उनके एंसेस्टर्स कौन है, उनके एंसेस्टर्स है लोफिन्स, करेक्ट। फिर इसके बाद जो टेरिडोफाइट्स है, जॉइंट फर्न्स, ये सब चीजें आके डेवलप होने लगी। फिर अगर रेप्टाइल्स के बारे में बात करेंगे तो ट्राइनोसोरेक्स रेक्स, ट्राइनोसोरेक्स रेक्स ये कौन था, ये एक बहुत ही बड़ा डायनासोर था, रेप्टाइल था जो कि 20 फीट था हाइट में, साथ ही साथ डैगर जैसे जिगजैग शेप जैसे उसके टीथ हुआ करते थे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है किसका, ट्राइनोसोरेक्स रेक्स किसका एग्जांपल है, रेप्टाइल का, जो लगभग 20 फीट ऊंचा हुआ करता था, ठीक है। फिर उसके साथ ही अगर आप बात करोगे तो इसमें आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर मैं बात करूँ मैमल्स के बारे में, तो जो सबसे पहले आने वाले मैमल थे, फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रिव, सबसे पहले जो मैमल थे वो कैसे थे, श्रिव जैसे थे, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल आपकी इसमें बुक में गिवन है कि जो ये मैमल्स थे जब उनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था तो इनिशियली सारे के सारे जो भी कॉन्टिनेंट था वो एक ही हुआ करता था, उसको गोंडवाना आइलैंड कहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सडन चेंजेस आने लगे, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में वो बट गए थे, है ना। लेकिन फिर भी कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो कि कंप्लीटली वाटर में रहते हैं, पूरे तरीके से पानी में रहते हैं, ठीक है। तो वेल का एक एग्जांपल आप उसमें ले सकते हो, तो वेल हो गया, इसमें सील का ले सकते हो आप। तो ये सब क्या है, ऐसे मैमल्स हैं जो कि कहाँ पर रहते हैं, कंप्लीटली पानी में रहते हैं, सी काउ वगैरह, ठीक है। तो ये हमने एवोल्यूशन के बारे में कुछ फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े जिसमें आपको सिग्निफिकेंस याद करनी है लोब फिन्स की और श्रिव की। तो लोब फिन्स की सिग्निफिकेंस है कि वो मॉडर्न एम्फीबियंस के एंसेस्टर है, और श्रिव क्या है, दीज आर द फर्स्ट मैमल्स, है ना। और इनके जो फॉसिल्स थे वो काफी छोटे थे, जब फॉसिल्स वर या जो भी इनको फॉसिल मिले थे वो बहुत ही छोटे थे, ठीक है। अब इसके साथ हमारा जो, सो फ्रेंड्स अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में। तो अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इवॉल्व होते होते फाइनली जो होमो सेपियंस है जो कि मॉडर्न मैन है उनमें डेवलप हुए थे, राइट। तो ये कब स्टार्ट हुआ, ऐसा माना जाता है 15 मिलियन ईयर्स अगो जो सबसे पहले फॉसिल्स मिले थे वो किसके थे, वो ड्रायोपिथेकस के थे और रामापिथेकस के। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर इनको स्टडी किया जाए तो पता ये चलता है कि जो ड्रायोपिथेकस हैं दे वर मोर एप लाइक, मतलब वो बंदरों जैसे ज्यादा मिला करते थे, और जो रामापिथेकस हैं दे वर मोर मैन लाइक या ह्यूमन लाइक। तो राम से आपको याद रहेगा कि वो ह्यूमन लाइक थे ज्यादा, हालांकि दोनों ही इंडिविजुअल्स की जो बॉडी है उनके ऊपर बहुत ज्यादा हेयर था, एक्सेसिव हेयर हुआ करते थे, और वो दोनों ही गोरिल्ला की तरह चला करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा 15 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व होने वाला जो ह्यूमन था, होमोनिड था, ऑर्गेनिज्म था, वो कौन था, तो आप बताएंगे ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस।
देन लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर्स अब वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, इनके जो फॉसिल्स है वो मिले थे ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में मिलने वाले फॉसिल्स किसके थे, तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के थे, ठीक है। जबकि उससे पहले यहाँ पर ये जो फॉसिल्स मिले वो कहाँ मिले, टेंजेनिया में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इनके जो फीचर्स है वो क्या है, ये लगभग 4 फीट के हुआ करते थे, सीधे चला करते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बंदरों की तरह झुक के चला करते थे। नाउ दे हैड स्टार्टेड वॉकिंग अपराइट, ठीक है। और इन्होंने मतलब थोड़ा सा जो ब्रेन है वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया था, अप्रोक्सीमेटली 600 cc इनकी ब्रेन कैपेसिटी हुआ करती थी। और इन्होंने स्टोन को एज अ वेपन इस्तेमाल करना शुरू किया, मतलब हंटिंग वगैरह इन्होंने दिमाग लगाया शुरू कर दिया। और ये प्रोबेबली क्या खाया करते थे, फ्रूट्स, तो वो स्टोन वगैरह को या किसी भी ऐसे वेपन को यूज किया करते थे फलों को तोड़ने के लिए, पेड़ों पर फेंक कर, ठीक है। उसके बाद है 2 मिलियन ईयर्स अगो किसकी फॉर्मेशन, किसकी डेवलपमेंट हुई, होमो हैबिलिस। तो जो होमो हैबिलिस है ये कौन है, ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड है ना। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो है 650 to 800 cc, मतलब काफी ज्यादा डेवलपमेंट का प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, ब्रेन का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन ये भी मीट नहीं खाया करते थे, इसका मतलब है ये भी वेजिटेरियन हुआ करते थे, ये भी फ्रूट्स को खाया करते थे, ठीक है। इनके भी फॉसिल्स मिले थे, तो उनमें जो उनकी हाइट थी वो भी कुछ ज्यादा नहीं थी, लगभग ये भी 4 फीट के ही हुआ करते थे और सीधे चला करते थे। उसके बाद 1.5 मिलियन ईयर्स अगो हमने देखा होमो इरेक्टस आ चुके थे, और जो इरेक्टस है नाम से पता चल रहा है कि इरेक्ट थी इनकी बॉडी और इनकी हाइट थोड़ी बढ़ चुकी थी, इन्होंने मीट खाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पर जो हंटिंग का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा डेवलप हो चुका था, स्टोन के अलावा भी ये काफी ज्यादा चीजों को एज अ वेपन यूज किया करते थे। और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो कितनी बढ़ चुकी है, 900 cc, इनको जावा मैन भी कहा जाता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गए जावा मैन। साथ ही साथ अगर हम बात करें ये जो नेदरलैंड्स हैं, ये 1 lakh to 40,000 ईयर्स अगो ये आए थे, और इनके जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि 1400 cc इनकी ब्रेन कैपेसिटी है। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में इनके जो फॉसिल्स हैं उनको देखा गया, और ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल्स को देखा गया था। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर अफ्रीकन ग्रासलैंड की बात हो रही है, याद रखना, ईस्ट देख के कंफ्यूज नहीं होना है। और जो नीदरलैंड्स है उनके लिए सेंट्रल एशिया, ठीक है। साथ ही साथ इनका जो ब्रेन कैपेसिटी 1400 cc इतना ज्यादा बढ़ चुकी है ब्रेन कैपेसिटी कि इन लोगों ने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ढकने के लिए हाइट्स को पत्ते वगैरह या किसी भी क्लोथ वगैरह का यूज करना शुरू कर दिया था। साथ साथ इनमें इतनी भी अकल आ चुकी थी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डेड है तो उसकी बॉडी को हमें क्या करना है, दफनाना है, बरी करना है ना। और इसके बाद कौन आया था, इसके बाद होमो सैपियंस यानी कि जो मॉडर्न मैन है वो आ चुके थे। जो होमो सैपियंस है उनके अंदर ब्रेन कैपेसिटी ऑब्वियसली ज्यादा ही रहेगी, 1400 ब्रेन रहती है, तो उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो 1400 cc है। इन्होंने एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया था, है ना। तो जो केव्स वगैरह होती है प्री हिस्टोरिक केव्स वगैरह में आप देखोगे तो आर्ट जो बनाना है ना वो भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो ये सब मॉडर्न मैन के बारे में बात हो रही है, होमो सैपियंस के बारे में बात हो रही है जो कि 1400 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी को पोजेस करते हैं। साथ में इन्होंने जो एग्रीकल्चर है या जितनी भी नई चीजें या टेक्नोलॉजीज है उन सब चीजों को धीरे धीरे इवॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन एंड ऑल्सो द चैप्टर नंबर 7 विच इज इवोल्यूशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।